पुलिस को खबर मिली थी कि जैश महम्मद के दो लोकल टेरिस्ट छिपे हुए हैं। पुलिस आर्मी सीआरपी मिलकर कॉर्डन डाला, कॉर्डन डालते ही फायरिंग शुरू हो गई क्योंकि अंधेरा हो गया था और टेरिस्ट दो तीन हॉस्टेज को शिफ्ट किया था, तो रात में ऑपरेशन को रोक दिए। सारे सिविलियन के विकेट के आज मॉर्निंग फिर से फायरिंग भी हुआ जिसमें जैश महम्मद के दो टेरिस्ट मारे गए। इसमें साकिब एक लोकल है, दूसरा आबिद है। ये दोनों हमारे एक पुलिस वाले जो कंस्टेबल रियाज साहब थे उसको 13 मई को अटैक करके उसको मार दिया था, तो उसको जस्टिस यार साहब को जस्टिस हुआ। तो जिस तरीके से आप जो है कामयाबी से ऑपरेशन अंजाम दे रहे हैं, पूरे साउथ में बहुत सारे जो मिलिटेंट्स को एलिमिनेट करने में कामयाबी हासिल हुई है, लेकिन साथ में एक चिंता का विषय ये भी है कि नए यूथ जो है वो इसमें जो है मिलिटेंट लिंक्स में फंस रहे हैं, क्या कुछ प्रक्रिया रहेगी? देखिए, इसके लिए हम लोग मल्टी डायमेंशनल फ्रंट पर काम कर रहे हैं। पहला तो पेरेंट्स से हेल्प लेके कुछ बच्चों को वापस लाए हैं, कुछ जो है टेक्निकल सर्वेलेंस से हम लोग उसको डिटेक्ट करते हैं कि उसको अरेस्ट किए, जो उसको मोटिवेट करता है, रिक्रूट करता है, उसको PSM बुक करके बाहर आउट ऑफ स्टेट भेजे हैं। उसके अलावा कुछ जो बच गए हैं, देखते होंगे इनकाउंटर में भी हम लोग उसको मौका देते हैं कि सेंडर कर जाओ। आप बारामूला में देखे होंगे एक टेरिस्ट की, नए रिक्रूट टेरिस्ट की माँ अपील कर रही थी, टेरिस्ट को गाली भी दी, शुभकामनाएं दी थी। तो इस समाज में चेंज आ रहा है। मैं इसमें पेरेंट्स से फैमिली मेम्बर से अपील करता हूँ कि पुलिस का सहयोग दें और जो स्टाफ लड़के भर रहे हैं उसको वापस लें। तो लास्ट पर अमरनाथ यात्रा अभी हो रही मतलब होने वाली है, तो क्या कुछ इंतजाम किए गए सिक्योरिटी के कंसर्न के बारे में? हम लोग बाबा बोल चुके कि बहुत विस्तार में 3 लेवल 3 टाइप सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे। सीसी कैमरा यूज करेंगे, ड्रोन का यूज करेंगे, हर एक गैजेट का यूज करेंगे हम लोग। थैंक यू।